हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मस्कट में 20 रमज़ान है और मैं 20 रमज़ान की इफ्तारी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आप वीडियो में देखती रहिए मैं क्या क्या प्रिपेयर करती हूँ इफ्तारी के लिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 kg बीफ, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबल स्पून फेनल सीड्स, ये सारे स्पाइसेस, 1 तेज़पत्ता, काली इलायची, हरी इलायची, 2 साबुत मिर्ची, ज़ीरा और लौंग, काली मिर्ची और स्टार एनिस है, ज़ीरा भी है साथ में। और यहाँ पर मैंने डाल दी है अनियन और गार्लिक क्लोव्स वॉश करके, सॉल्ट टू टेस्ट, ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी पानी, पानी में 2 ग्लास डालूँगी यहाँ पर, 1 ग्लास में आधा ग्लास और डाल दिया है मैंने, यानी कि मग 2.5 मग डाले, तो 2.5 ग्लास आपको पानी डाल देना है। इसको मिक्स करके और गैस ऑन करके रख देना है गैस के ऊपर और बनने के लिए। यखनी, हम यखनी बना रहे हैं यहाँ पर, बीफ बिरयानी बनाऊँगी मैं। और यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ अनियन की, जो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था अनियन को पहले से, और कटिंग करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे बिरयानी के लिए, जो मैं बिरयानी में यूज़ करूँगी और मैं कौरमे में भी यूज़ करूँगी। कौरमा भी मुझे बनाना है, बीफ कौरमा और बीफ की बिरयानी, मुरादाबादी बीफ बिरयानी बनाऊँगी और बीफ का कौरमा बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है टमाटर, टमाटर को मैंने 2 पार्टों में कट किया है, एक तो चॉप कर लिया था सही तरीके से जो मैं डालूँगी कौरमे में, और मैंने कट किया है वो मैंने किया है बिरयानी के लिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है कोरिएंडर लीव्स, जो मैंने अच्छे से वॉश किया और वॉश करने के बाद चॉप कर लिया और उसको प्लेट में कर दिया। और यहाँ पर मैंने ले ली है ग्रीन चिलीज, इसका मैंने डंठल तोड़ दिया था और पहले से, और मैंने अच्छे से वॉश किया और बीच में से कट करने लगी मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ही कट कर लेना है ग्रीन चिलीज को, बिरयानी में बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से, जो ग्रीन चिलीज होती है ना, इसी तरीके से कट कर लेना है हमें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी कटिंग चॉपिंग हो चुकी है हमारी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रखा है बीफ और मैं इस बीफ को बनाऊंगी कौरमा। ये 1/2 kg बीफ है और मैं यहाँ पर ले लिए हैं मैंने स्पाइसेस, ज़ीरा, काली इलायची, हरी इलायची, लौंग और काली मिर्ची, साबुत मिर्ची और स्टार एनिस, इन सारे स्पाइसेस को मैं दरदरा कूट लूँगी और ये कमी स्पाइसेस में डालूँगी, ज़्यादा स्पाइसेस में नहीं डालती, ज़्यादातर मसाले सब्ज़ी वगैरह में। और ये दरदरा इस तरीके से कूट लेना है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से दरदरा अच्छा लगता है कौरमे में। और ये मैंने ना ऑयल को ना अच्छे से गर्म कर लिया हाई फ्लेम पर और मैंने में अनियन डाल दी, अनियन को हम फ्राई कर लेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यखनी का पानी मैंने छान लिया और यह है बीफ, बीफ को मैंने अलग कर लिया है, बीफ को अलग से, मतलब ये सौंफ धनिया है ना बीफ के अंदर, उसको ना निकाल देना है, बीफ के साथ में जो सौंफ धनिया से डालना नहीं है। और यहाँ पर मैंने आधी जो अनियन है ना फ्राइड अनियन वो निकाल लिया और साबुत मसाले जो मैंने कूटे थे ना, वो दरदरे जो कूटे थे वो मैंने इसमें डाल दिया और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर लेना है, जल जाएंगे नहीं तो सारे मसाले। और यहाँ पर मैंने बीफ को ऐड कर दिया है ऑयल के अंदर, इस तरीके से ही गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इस तरीके से चलाते रहें। और मुझे ना थोड़ा कम, मतलब ये जो है ना पतीली, इसमें ना थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा था कोरमा और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसमें, तो मैंने ना इसमें कर लिया पोट में सारा बीफ और इसमें मैं अच्छे से बना पा रही हूँ, मुझे मैं कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था बनाते पे, तो इसलिए ना मैंने इसमें पोट में कर लिया ये बीफ। और मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट टू टेस्ट और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है सॉल्ट को, इस तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम छोड़ देंगे कवर करके, लिड से कवर करके छोड़ देंगे 10 से 5 मिनट के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पर खोल के देखेंगे ऑयल हल्का हल्का निकलने लगा है। और मैं तेज पत्ता डालना तो भूल ही गई थी, तो मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है तेज पत्ता और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबल स्पून और ऐड कर दूँगी गार्लिक पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। ये सारे जो मैंने सारी चीज़ें डाली है ना, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसी तरीके से मिक्स कर लेना है। और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, हमें गैस का फ्लेम लो रख के ही हमें सारा जो कौरमा है ना वो बनाना है। ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया है कर्ड और 1 टेबल स्पून कर्ड मैंने भर के और ऐड कर दिया है इसको, और इसको ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसी तरीके से, और हाई फ्लेम पे नहीं करना है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, क्योंकि हाई फ्लेम पे क्या होगा ना, सारे स्पाइसेस जो है ना इसमें हमने ऐड किए मसाले, तो सारे जल जाएंगे और हमारा बीफ भी कच्चा रह जाएगा, बनेगा नहीं, इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम करके ही तो हमें इस तरीके से कवर कर देंगे और इसको बनाना है। 10 मिनट के लिए मैं और छोड़ दूंगी। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ बिरयानी की, सारे तेज पत्ता, काली मिर्ची, लाल मिर्ची, स्टार एनिस, ज़ीरा और लौंग और ये सारी चीज़ें ना को हमने इसमें ऐड किया ऑयल में। और ऑयल में ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था बीफ, जो मैंने बीफ रखा था यखनी का, यखनी जो बनाई थी ना वही बीफ मैंने इसमें ऐड कर दिया था।
और यहाँ पर मैंने वीडियो ऑन करना भूल गई थी जब मैंने इसमें ऑयल में डाला था बीफ और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो डाला था। और दूसरी तरफ हम चेक कर लेते हैं कोरमा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल भी निकलने लगा है कोरमे से, और इसको हम इस तरीके से चला के चेक कर लेंगे। अब मैं इसमें सारी चीज़ जो हमने कटिंग चॉपिंग करके रखी थी ना वेजेस की, वो हम इसमें अब ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर जो मैंने चॉप करके रख लिया था पहले से ही, इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। और इसके अंदर थोड़ी सी मैं डाल दूँगी ग्रीन चिलीज़ इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन चिलीज़ भी थोड़ी डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है कोरमे में। और सारे चीज़ें जो मैंने ऐड की हैं वो इसमें ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और डाल दूँगी मैं इसमें। और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, और मैंने सारे जो स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो इस तरीके से मिक्स कर लूँगी, जैसे आप देख रहे हैं ना इसी तरीके से मिक्स कर लेना है सारे स्पाइसेस। और स्पाइसेस मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, सारा भर के पानी एक बार में नहीं डालना कोरमे में, भर के एक साथ नहीं डालते, बीच बीच में ना पानी ऐड करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है पानी, और पानी को ऐड करने के बाद मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को, और उसके बाद मैं यहाँ पर ना लिड से कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं बीफ को चला रही हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसमें अब भीगेगा, और मतलब गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। ये कोरमा जो होता है ना 1 से 1.5 घंटे में गलता है, एक मतलब अगर हम चाहें तो ज़रा सी देर में भी कुकर में भी गल सकता है, लेकिन ये कोरमा हमें पोर्ट में इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे बनाना है, तो हमें ना 1 से 1.5 घंटे में गलेगा ये, 1 से 1.5 घंटे में गलने में ही अच्छा बनेगा ये धीमी धीमे धीमे आँच पर। और यहाँ पर मैं दूसरी तरफ कर रही हूँ बिरयानी की तैयारी, और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून कर्ड ऐड किया, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। दोबारा से मैं फिर चेक कर रही हूँ कोरमा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरमे में से ऑयल भी निकलने लगा है, और मैं इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से चला लूँगी, और चला के मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूँगी, अभी गला नहीं है बीफ, और मैं बीच बीच में चेक करती जा रही हूँ और चलाते रहना है। यानी कोरमा बनाया तो एकदम गैस पे धीमी आंच पे छोड़ ही दी 1 से 1.5 घंटे के लिए, ऐसा नहीं करना, बीच बीच में 1 से 2 बार हमें चेक करना है, और चेक करके ना थोड़ा सा बीच में पानी भी ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने लिड से कवर करके फिर रख दिया है 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर क्या है ना, मैं ना दूसरी तरफ कर रही हूँ दही फुल्की की तैयारी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कर्ड, और 1 टेबल स्पून भर के कर्ड ले लिया, और 1 टेबल स्पून और ले लिया है, इस तरीके से मैं कर्ड यूज़ करूँगी। और कर्ड को ना मैं इस तरीके से फेंट लूँगी, मैं स्पून की हेल्प से ही फेंटती हूँ कर्ड, और इस तरीके से ही मैं कर्ड को फेंट लूँगी, बिल्कुल इस तरीके से फेंट लूँगी जैसे मलाई की तरह क्रीम की तरह हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून किया है चिली फ्लेक्स, और 1/2 अनियन मैंने वॉश कर ली थी अनियन, और अनियन को वॉश करके यहाँ पर मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, और कट करने के बाद मैंने कर्ड में मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी कोरिएंडर लीव्स और चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स है ये, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने, और इस तरीके से मैं चला लूँगी दही को चला लूँगी। और इसमें ऐड किया है मैंने सॉल्ट टू टेस्ट, और इस तरीके से सारी चीज़ों को हमने जो ऐड किया है वो मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये पकौड़ियाँ बनाई थी, वो पकौड़ी मैंने यहाँ पर इस तरीके से प्लेट में निकाल ली हैं सारी, और ये सारी पकौड़ी निकालने के बाद जो दही मैंने तैयार करके रखा था ना दही फुल्की के लिए, वो सारी पकौड़ियाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और रोज़ा खोलने से 1 से 1.5 घंटे पहले ही मैं ये काम करके ज़रूर रखती हूँ डेली, तो इससे क्या होता है ना जब हमारे इफ्तार का टाइम होता है ना, तो इफ्तार में ये बहुत अच्छी तरीके से फूल जाती हैं दही में फुलकियाँ, तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती हैं। और दूसरी तरफ मैं चेक कर लूँगी यहाँ पर कोरमा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरमा और भी अच्छा हो गया है पहले से, और भी अच्छी तरीके से गल चुका है, और ऑयल भी निकल चुका है, अब ये बिल्कुल रेडी होने में ही आ रहा है कि मतलब ऑयल भी अच्छे से आ गया है, और उसमें खुशबू बहुत अच्छे से आ रही है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, और छोड़ दूँगी यहाँ पर मैं जिस तरीके से आप देख सकते हैं। और अब मैं बिल्कुल इसके बाद ये ना आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी इसको लेट से कवर करके, वो गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देना है, और गैस का फ्लेम मीडियम करके ही हमें लिड से कवर कर देंगे, और आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अभी थोड़ा सा गलने में थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा सही से नहीं गला है अभी, मैंने चेक किया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट और ऐड किया है, और मुझे कम लगा तो
तो मुझे मतलब मैंने चेक तो नहीं किया था, रोज़ा था, लेकिन मुझे ऐसे ही कम लगा था कि अंदाज़े शायद कम ही होगा, तो मैं ऐड कर देती हूँ। और इसमें और यहाँ पर मैंने ऐड किया है बिरयानी की जो तैयारी कर रही थी ना, वो बिरयानी में मैंने ऐड किया है टमाटर और हरी मिर्ची और लेमन। इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को, और मिक्स करने के बाद जो मैंने यखनी का पानी रेडी करके रखा था ना पहले से ही, वो पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 1 मग डाल दिया है पानी और यखनी वाला पानी, और मैंने 1/2 मग और ऐड कर दिया है इसमें पानी यखनी का। और इस तरीके से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। और इसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट टू टेस्ट। और हाई फ्लेम पे छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर दूसरी तरफ निकाल रही हूँ राइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट में, स्मॉल पोर्ट में मैं निकालूंगी। 1 गिलास मैंने राइस ले लिया, और 1/2 गिलास मैंने और ले लिया कि 1.5 गिलास मेरे राइस हैं यहाँ पर। और मैंने इनको राइस को अच्छे से वॉश किया, और वॉश करने के बाद मैंने यखनी में डाल दिया राइस को, और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर दिया। हाई करने के बाद मैं थोड़ा सा सॉल्ट और भी ऐड कर दिया, मुझे कम लगा थोड़ा सा। तो और हाई फ्लेम पे हमें इस तरीके से छोड़ देना है, बाद में हमें मीडियम करेंगे जब इसमें पानी कम रह जाएगा। और यहाँ पर हस्बैंड कर रहे हैं वाटरमेलन कट, और ये चल रही है इफ्तारी की तैयारी। जो फ्रूट्स हम इफ्तारी में खाते हैं ना, वही कट कर रहे हैं हस्बैंड, और वही ये काम डेली करते हैं, मुझे नहीं करने देते, वो खुद ही करते हैं ये काम। और यहाँ पर एप्पल कट कर रहे हैं, वो था वाटरमेलन, और ये आ गया पपाया। जो सारे फ्रूट्स को हस्बैंड पहले से वॉश करके रख लेते हैं स्ट्रेनर में। और यहाँ पर ब्लैक ग्रेप्स हैं, और ब्लैक ग्रेप्स के बाद यहाँ पर आ गया है, ये रखा है स्ट्रेनर के अंदर मैंगो। जो मैंगो को बनाएंगे यहाँ पर, बनाएंगे यहाँ पर शेक, मैंगो शेक वो रेडी करेंगे। और यहाँ पर वो मैंगो शेक किस तरीके से रेडी करते हैं वो आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, अभी आप देखना। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बिरयानी, यहाँ पर बिरयानी में पानी बहुत कम रह गया, बबल्स छूट रहे हैं। और यहाँ पर ना मैं क्या करूँगी, एक कॉटन का कपड़ा मैंने अच्छे से वॉश करके ना उस पर रख दिया है कवर करके, ताकि अच्छे से राइस गल जाए, मतलब गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरमा हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, गल भी चुका है, कलर कितना अच्छा आ रहा है इसका, और आपको मैं बता नहीं सकती इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर रेडी हो चुका है कोरमा, और इसको मैं बंद कर दूँगी गैस को। ये है मैंगो, और ये गार्निशिंग के लिए है ड्राई फ्रूट्स एंड मैंगो साथ में, और ये मिल्क रो अफज़ा। आप क्या डाल रहे हो, मैंगो पहले मैंगो, थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा वो आफ्जा के साथ मैंगो शेक। वाओ, डिजाइन बना दिया। अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, और पीने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा बना दिया आपने जो शॉप पे मिलता है। क्यों, इसकी हो गई गार्निशिंग, इसे कर दिया गार्निश ना। हल्का सा रोज़ा ऊपर से भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी डाला जाएगा वो अफ़सा। ये देखिए, आप वाह, देखिए खूबसूरती।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंगो शेक हो गया, रेडी मैंगो शेक इतना टेस्टी था, शॉप पे भी इतना अच्छा नहीं मिलता, इतना अच्छा बनाते हैं। मुझे तो अपने हस्बैंड के हाथ का मैंगो शेक या कोई भी शेक होता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं तो उनसे कहती हूँ आप ही बना के पिलाया करो, मैं तो शॉप पर कभी नहीं पीने वाली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिरयानी हो गई रेडी, इसमें मैंने ऐड किया फूड कलर, फ्राइड अनियन और चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। और यहाँ पर आप हमारी टेबल की फाइनल लुक देख सकते हैं, और इसी तरीके से मैंने जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी इफ्तारी की, और आपने देखी थी वीडियो में किस तरीके से की थी मैंने, और बहुत जल्दी जल्दी में किया था जो भी किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दही फुल्की मैंगो शेक, और ये है कोरमा बीफ कोरमा, और ये है बीफ मुरादाबादी बिरयानी जो बहुत टेस्टी होती है, अगर आप एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा, इतनी टेस्टी बिरयानी होती है, मेरी तो फेवरेट है ये बिरयानी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।